जाहरवीर गोगा जी के समाधि स्थल गोगा मेड़ी में अब की बार श्रद्धालुओं ने अलग ही छाप छोड़ दी। आप में से बहुत सारे भक्तजनों ने ये मेला मिस कर दिया होगा, उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। गोगा जी महाराज के दर्शन करने और गोगा मेड़ी मेले को करीब से देखने के लिए हम निकल पड़ते हैं अपनी स्कूटी लेकर गोगा मेड़ी मेले की तरफ। हम गोगा मेड़ी पहुंचने वाले होते हैं तभी बीच में कुछ भगत जन सेवा समिति लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए नजर आते हैं। तभी हम कुछ देर बाद जो है वो गोगा मेड़ी पर पहुंच जाते हैं और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये गोगा मेड़ी पहुंचने के जस्ट पहले जो बस स्टैंड आता है वहां का दृश्य है। यहाँ पर बसें मिलती हैं गोगा मेड़ी आने के लिए, गोगा मेड़ी से वापस जहाँ आपको जाना है वहां पर बसें यहाँ से मिलती हैं। ये जो पूरा दृश्य है ये है गोगा मेड़ी के जो बस स्टैंड का एरिया है वहां का है। भीड़ आप देख सकते हैं, बाकी आपको आगे दिखाएंगे कितनी कहां पर कितनी भीड़ है और झूले वगैरह कहां पर लगे हुए थे, कितनी भीड़ थी, आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं और बढ़ते हैं गोगा मेड़ी का जो गोगा जी का मंदिर है उस मंदिर की तरफ। तो यहाँ से जो सीधा रोड जाता है वो यहाँ से सीधा आपको गोगा जी की समाधि स्थल की ओर लेकर जाता है। एक यहाँ से रोड जाता है गोरख टीला की तरफ, उससे अलग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आई बटन के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप गोरखनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। ये मेन रोड है जहां से आप लोग गोगा मेड़ी पहुंचते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गोगा जी के मंदिर की तरफ और उसके बाद जो है वो आपको आगे का जो दृश्य है वो दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की लगी हुई है। हम अपना बाइक जो है वो इस भीड़ में से बड़ी मुश्किल से निकाल कर लेके जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से जो है वो ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं। दोनों तरफ जो है वो दुकानें लगी हुई हैं जिसमें कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, कुछ खिलौनों वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जो है चकाचौंध करने वाली जो चीजें हैं वो रखी हुई हैं। ऐसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के ऊपर जो है वो गोगा जी महाराज का समाधि स्थल है, गोगा मेड़ी का मंदिर है। लगभग 500 मीटर चलना पड़ता है लेकिन अभी जो है ये भीड़ बहुत ज्यादा है तो 500 मीटर भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप खाली समय में आओगे तब यह भीड़ जो है वो आपको बहुत कम मिलेगी, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा साइड में मुड़कर जो है वो झूलों की तरफ जाने के लिए मुड़ गए हैं कि थोड़ा झूलों का जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से झूले लगे हुए हैं, वहां पर कितनी भीड़ है। और ये यहाँ पर आप बिल्कुल सामने झूले देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कई झूले लगे हुए हैं जिसमें से बड़े छोटे बच्चों के और अलग अलग प्रकार के जो है जादू दिखाने वाले, इसके अलावा कई प्रकार के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं जो 2024 का जो मेला था जो आप में से बहुत श्रद्धालुओं ने मिस कर दिया, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि जो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो मिस कर दी, लेकिन उनको इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर कैप्चर करके लाया हूँ। ये ऊंट की सवारी के लिए जो है वो ऊंट सजाए गए हैं यहाँ पर, जो कि 50 रुपये 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बच्चों के हिसाब से जो है वो उनको ऊंट की सवारी करवाते हैं। ये बच्चों से लेकर पूरे बड़े बुजुर्गों तक की सवारी करवाते हैं ये ऊंट। इस वीडियो के अंदर आपको एक राजस्थान की अलग ही झलक दिख रही होगी, जैसे ऊंट दिख रहे हैं एक तरफ, झूला मेला ये सब अलग अलग दिख रहे हैं। ये है हमारे जाहरवीर गोगा जी का जो समाधि स्थल है, जो मंदिर है, जो आप अपनी इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। ये साइड में लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए और ये लाइन जो है वो मैंने ये वीडियो शूट किया है सुबह में, तो सुबह में लाइन जो थी वो कम। अगर आपको गोगा जी महाराज के लाइव दर्शन करने हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।